आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। मैंने इतनी बड़ी पार्टी 7 साल पहले की थी, जब मेरे कदम मैंने रखे थे हिंदुस्तान में, और मैंने कहा कि अब आई थिंक मौका आ गया है बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने का। मेरी पिक्चर टोटल धमाल इतना सारा पैसा कमा गई, और मैंने 7 साल मतलब अच्छे से बिता लिए हिंदुस्तान में। आई हैव सर्वाइव्ड मुंबई, मेरी जान, यही मैं लिख रही हूँ, तो आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। और मेरा जन्मदिन है, तो दैट्स व्हाई आई एम हैविंग अ ह्यूज पार्टी टुडे। एंड इसी के साथ यानी अगर बात करें तो बर्थडे का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है आपके? केक केक और खूब सारा डांसिंग। और नहीं, आजकल नहीं खा रही क्योंकि प्रोड्यूसर लोग कह रहे हैं कि वजन कम करो। एज यू कैन टेल वो यस इतना वैलिड था, लेकिन केक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आई थिंक हैविंग द पीपल दैट यू लव अराउंड यू, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल दीज पीपल आर गोना कम। निहारिका के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, और अच्छी चीजें नहीं पता, I'm sure, of course. अच्छा, गंदी बात नहीं, गंदी नहीं, गंदी नहीं, गंदी, there is nothing wrong, okay? I like that. There is nothing wrong. So, first of all, she is doctor by profession, by the way. और वो दिल का इलाज करती हैं, स्क्रीन पे भी, ऑफ स्क्रीन भी, ठीक है, पहली बात। सेकेंड, शी इज़ फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ कॉल्ड लक्जमबर्ग। आई थिंक बहुत सारे लोगों की फैक्ट नहीं पता, लक्जमबर्ग की कंट्री है यूरोप के अंदर। First of all, I would wish her happy birthday, Niharika, and she's a very talented girl, I'm sure, definitely. She has done a lot of work. वो कुछ भी नहीं था, बहुत सारे बम फूटने वाले हैं अभी, जो कि निहारिका खुद यू नो लोगों को बताएंगी, मे बी यू नो नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, देर इज़ अ लॉट विच इज़ इन यू नो इन द बॉक्स फॉर हर टू टेल टू द पब्लिक, आई थिंक, एंड आई विल विश हर लक and happy birthday at the same time. Thank you so much. Okay, Niharika ji ke sath mein kya matlab hai, ek kis ya is baar ki agar baat kare sabse pehle wish kisne kare aapko? Mujhe bahut sare logon ne wish kiye hain, mere family ne mujhe wish kiya hai, aur बहुत सारे लोगों ने, अर्शद वारसी ने मुझे विश किया है, जावेद जी ने मुझे विश किया है, और मेरे टोटल धमाल के सारे फ्रेंड्स ने मुझे विश किया है, मेरे और भी जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स फ्रेंड्स हैं, मेरे जो डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कितना मुझे विश किया है, लक्समबर्ग से लोग मुझे विश कर रहे हैं, तो आई एम रियली ब्लेस्ड, थैंक यू। आई थिंक 7 साल पहले जो मैंने पार्टी रखी थी इंडिया में, क्योंकि मैं पहली बार आई थी हिंदुस्तान 2012 में, और हम लोगों ने वो कप जीता था, वर्ल्ड कप, एक्चुअली 2011 में जीता था on 2nd of April, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप वापस आया, एंड आई गॉट अ गुड फीलिंग। फिर मुझे ये भी पता चल गया कि देखो, अगर मैं पार्टी रखती हूँ और मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू हूँ, तो इतने सारे लोग आए उस समय, तो मुझे एक वैलिडेशन भी मिल गया कि हाँ ठीक है, निहारिका यहाँ पे बहुत सारे अपने मिलने वाले हैं, तो मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगी। तो अब जैसे एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि देखो आपके अपने आपके आसपास हैं, और जो लोग जिनको मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे, उन्होंने भी मुझे अपनाया, तो वो फीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, कोई ऐसी विश आपने आपके बर्थडे के लिए मांगी हो, कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो आपने बनाया हो? पता है, मैंने हमेशा कहा था कि मैं 11 फिल्में धूमधाम से करना चाहती हूँ। आज मेरे केक पे आपको 11 फिल्मों के पोस्टर्स नज़र आएंगे। मैंने खुद ही काउंट किया है कि जितनी मैंने आज तक फिल्में की हैं ऑन स्क्रीन, इट अमाउंट्स टू 11 फिल्म्स। तो आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑन, बिकॉज मैंने कहा था कि मुझे 11 तो करनी ही करनी है, तो मेरा मिनिमम बेंचमार्क हैज बीन अचीव, आई थिंक दैट्स आल्सो व्हाई आई एम थ्रोइंग अ पार्टी। नेक्स्ट ईयर तक बैनर में जगह नहीं बचेगी, तो नेक्स्ट ईयर बैनर नहीं होगा, राइट, बिकॉज इतनी सारी फिल्में होने वाली हैं कि वहां पे जगह नहीं मिलेगी किसी भी फिल्म को। तो दैट इज द ड्रीम, द ड्रीम इज कि वो 11 के बाद अब अनगिनत फिल्में हो जाए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।